एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। सो जीपैट 2024 के कट ऑफ का एक पीडीएफ रिसेंटली पब्लिश हुआ है। यहाँ पे हम लोग व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे पब्लिक नोटिस पे। सो एज यू कैन सी हियर 29th पे आया है ये कट ऑफ परसेंटाइल फॉर द ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जीपैट 2024। अब इसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि व्हाट अबाउट द जीपैट कट ऑफ फॉर दिस ईयर, क्या कट ऑफ है, क्या मार्क्स है, क्या परसेंटाइल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कट ऑफ परसेंटाइल, द रिज़ल्ट जो कि डिक्लेयर हुआ था 8th को, राइट, एंड पब्लिक नोटिस एक दिया था इंडिकेटिंग द स्कोर्स एंड रैंक। रैंक एंड स्कोर आपको मिल गया था, बस आपको जो नहीं मिला था वो था आपका कट ऑफ कि कितने मार्क्स के अगर ऊपर है तो मैं क्वालिफाइड हूँ। तो देखो, एज पर द डिसीजन ऑफ द PCI, 10% ऑफ ऑल द अपीयर्ड कैंडिडेट्स इन जीपैट 2024 विल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड, 10% ऑफ ऑल द अपीयर्ड कैंडिडेट, ओके, दैट इज 3934, ओके, 3934 कैंडिडेट्स विल बी क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू एम फार्म और अवार्ड ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर एम फार्म कोर्सेज और PhD कोर्सेज विद रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी फॉर EWS, OBC, SC, ST, PWD कैंडिडेट्स। तो 3934 दिस इज़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हुए हैं फॉर द एडमिशन ऑफ एम फार्म एज वेल एज फॉर द स्कॉलरशिप। द रिजल्ट इंडिकेटिंग द कट ऑफ परसेंटाइल ऑब्टेंड इन द कैंडिडेट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड कैन बी सीन इन NBMS वेबसाइट। तो यहाँ इन दोनों में से कोई भी से आप देख सकते हो आपका कट ऑफ परसेंटाइल, ठीक है, मतलब रिजल्ट जो है जहाँ पे लिखा है कट ऑफ एंड परसेंटाइल। अब कैटेगरी वाइज जो परसेंटाइल है तो जनरल वालों के लिए है कट ऑफ परसेंटाइल 96.15414, दिस इज़ द कट ऑफ परसेंटाइल, रिमेंबर नॉट मार्क्स, कट ऑफ परसेंटाइल। सिमिलरली PWBD जनरल 55.1562, EWS के लिए है 90.7069, ऐसे ऐसे सबके लिए अलग अलग एज पर योर रिजर्वेशन जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आपका परसेंटाइल डिक्लेयर किया गया है, ओके, ऑल राइट। द स्कोर कार्ड दैट इंडिकेटिंग द परसेंटाइल, मतलब आपका जीपैट का स्कोर कार्ड, राइट, मेन बात यह है, जहाँ पे आपके कट ऑफ परसेंटाइल जो है सब कुछ वो आप लोग डाउनलोड कर पाओगे ऑन आफ्टर 2nd August, ठीक है। एंड वैलिडिटी को लेकर नो वरीज, वैलिडिटी इज स्टिल 3 ईयर्स, मतलब ये तो 1 साल हो गया, अब और 2 साल आप लोग इस स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकते हो, राइट। अपियरेंस डजेंट कन्फर्म योर द सिक्योर ऑफ एम फार्म सीट और स्कॉलरशिप, ये तो है, आपको लाइक प्रॉपर अप्रूव्ड कॉलेज पे लेना होगा एडमिशन, या फिर आपको लाइक एम फार्म में एडमिशन लेना होगा तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे, राइट। तो डजेंट मीन कि आपको आपका क्वालिफाइड हो तो आपको एम फार्म को सीट मिल जाएगा। NBMS इन रोल हैज़ नो रोल इन स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट, तो ये सब तो है। तो अब आप लोग क्या करोगे, अब अपना अपना रिजल्ट चेक करो, ठीक है, यहाँ से क्लिक करके आप लोग रिजल्ट को देख सकते हो। ये यहाँ ओपन हो जाएगा आपका जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर लिखा है नोटिस बोर्ड कॉपी फॉर द जीपैट 2024 विथ परसेंटाइल रिजल्ट जो कि है 8.6 MB का PDF। अब ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन ID, रोल नंबर, कैटेगरी, स्टेटस, परसेंटाइल सब देख सकते हो। तो मान लो आपका रोल नंबर समथिंग है, अब अपना परसेंटाइल देख लो, ठीक है, और उसके पास में देखो लिखा है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। तो जैसे कि मैंने कहा 10% दिया गया है इस बार, तो सबके नाम, रोल नंबर, कैटेगरी नाम नहीं दिया गया है, परसेंटाइल एंड रिजल्ट में क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखकर आप लोग इजीली पता लगा सकते हो कि आप क्वालिफाइड हो या फिर नहीं हो। अब इस हिसाब से जो आपका क्वालिफाइड वाला स्कोर कार्ड, मतलब जहाँ पे लिखा रहेगा कि आप क्वालिफाइड हो, आपका 3 साल वैलिड है, वो आपको मिल जाएगा ऑन ऑन 2nd August से, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ लेना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।